दोस्तों ज्यादातर लोगों को मकड़ी के जाले सुनकर या देखकर बहुत घिन आती है, लेकिन यदि मकड़ी का जाला अगर एक होम्योपैथ के हाथ लग जाए और वो अगर दवा बना ले और जिसका नाम है अरेनियम टीला या कॉबवेब, तो फिर वो दवा एक कमाल की दवा आ जाती है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। अरेनियम टीला या कॉबवेब, जी हाँ, हार्ट के लोगों के अंदर बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली है, ऐसी कंडीशन के अंदर है जहां उनकी नर्व्स बहुत स्लो हो जाती है। जैसे नॉर्मल पल्स रेट होता है एक अडल्ट का 80 से लेके 100 तक, यदि वो 50 हो जाए, 40 हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई आपको पेसमेकर लगाना पड़ सकता है या कुछ दवा देनी पड़ सकती है जिससे हार्ट रेट बढ़ जाए। यदि ना हो तो फिर बहुत सारे तकलीफ होती है। और यदि हार्ट रेट कम होता है और साथ में सिर दर्द बना रहता है, पीरियोडिकली सिर दर्द होता है, यानी दिन के पर्टिकुलर टाइम पे, शाम को ही, सुबह ही, या 9 बजे ही सुबह, रात को, ऐसा कोई टाइमिंग अगर है, तो फिर ये अरेनियम टीला के पक्ष में जाता है। बिकॉज अरेनियम टीला के अंदर कोई भी सिम्टम बहुत ही पीरियोडिक या एक मखसूस टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद आती है। दोस्तों एक और विचित्र सिम्टम यह है जिसको हम बोलते हैं PQRS ऑफ अरेनियम टीला, मतलब उसे कोई भी सिम्टम, अभी हार्ट की उसकी नर्व्स बहुत कम हो गई है, हार्ट रेट कम हो गया है, तो स्वाभाविक है कि उसको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे वो पेशेंट सोने को जाता है, नींद तो लगती नहीं, उसको लगता है कि मैं और कोई बहुत सारा काम कर लूं, तो इंक्रीज मस्कुलर एनर्जी ऑन स्लीपिंग, तो कैनॉट लाई ऑन द बेड। ये एक कहावत है अरेनियम टीला की, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको कंसिडर करना पड़ता है कि उसको एनर्जी आती कहां से इतना काम करने के लिए। तो ये उसका एक सेंसेशन है, आभास है। और यदि पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं मेरा पल्स रेट 40 पर है, लेकिन मैं जैसे सोने जाता हूं, आप बोलते हैं आराम करो, जैसे मैं सोने जाता हूं तो मुझे क्या बोलते हैं ऐसा लगता है कि मैं और ज्यादा काम कर लूं, ये जो सेंसेशन है ये अरेनियम टीला का एक इंपॉर्टेंट सेंसेशन है। दोस्तों जो भी दवा बताता हूं, खास करके ये स्पाइडर रेमेडीज, वो अपने डॉक्टर्स से पूछ के, होम्योपैथ से पूछ के लेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और याद दिलाऊं दो, अभी मैं स्पॉटिफाई पे भी हूं, यदि आप मुझे कभी भी आप सुनना चाहें मुझे स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, जस्ट सर्च फॉर आदिल चिमथाना वाला। हम लोग बात कर रहे थे टीला या कॉबवेब की, और चलते चलते ये भी बता दूं दोस्तों कि मैं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मुंबई में रहता हूं, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहे या कांटेक्ट करना चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618, और बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। तो अरेनियम टीला एक अस्थमा के लिए भी यूज होता है, एक अलग टाइप का अस्थमा, जहां अस्थमा के अंदर आपको सांस भी फूल सकती है या खांसी भी आ सकती है या घर घर हो सकता है छाती के अंदर या गले में। लेकिन यदि किसी को लंबे समय तक का अस्थमा हो जहां कंटिन्यूसली इरिटेटिंग कफ हो, और खास करके वो पेशेंट तंबाकू लेता हो या सिगरेट लेता हो और वो बंद नहीं करना चाहता या बंद नहीं कर सकता व्हाट एवर रीजन, और खांसी बनी ही रहती है, तो ऐसे दमा को ट्रीट करने के लिए भी कॉबवेब का, अरेनियम टीला का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है। और एक चीज, कुछ लोगों को मकड़ी के जाले से एलर्जी है, मकड़ियों से भी एलर्जी होती है, यानी वो रूम में रह ही नहीं सकते जहां मकड़ी हो या मकड़ी का जाला हो, वहां आए तो इमीडिएटली खांसी चालू हो जाती है। अगर ऐसा एलर्जी है किसी को, उनके लिए भी अरेनियम टीला एक इंपॉर्टेंट दवा है। अरेनियम टीला के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आदिल होम सेंटर के नाम से हूं, वहां भी आप पूछ सकते हैं, और आप वहां मुझे फॉलो करेंगे और फिर बाद में पूछ सकते हैं। अमेजोन पे हमारी किताबें अवेलेबल है, वहां पर आप जाके डॉक्टर आदिल चिमथाना टाइप करेंगे, वहां पे भी जो किताबें आएगी उसमें चयन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।